हेलो एवरीवन, आज हम बताने जा रहे हैं कि मिट्टी कैसे लगानी मुच्छों पे। तो पहले हमने मिट्टी ले लेनी है, ठीक है जी। इसमें पाउच निकलते हैं और ये लेने हैं, ठीक है जी। इस तरीके से इसमें रोलनी है। ये मिट्टी ले ली हमने और ये केमिकल जो भाई मुझसे पूछते हैं ना कि कौन सा केमिकल यूज़ करते हो मिट्टी में, तो भाई ये लगता है, इसका नाम ब्लोस्टी है, कलकत्ता ब्लोस्टी बोलते हैं इसको। तो ये इसमें मिक्स करते हैं हम और फिर मुच्छों पे लगाते हैं। तो आज हम तुम्हें एक चीज दिखाएंगे कैसे लगाते हैं। हमने मीडियम क्वांटिटी में लेनी है, ना ज़्यादा लेनी है ना कम लेनी है। तो इसकी पेस्ट बना लेनी है हमने इस तरीके से। मुझे बहुत मैसेज आए हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता मैसेज में। काफ़ी मैसेज आए मुझे भाइयों के कि कैसे मुच्छे सेट करते हो, क्या लगाते हो मिट्टी में, क्या लगाते हो। तो इस तरीके से ये मिट्टी है, बहुत ही आसान है। तो मेरा भाई ये देखो, हमने नॉर्मल पेस्ट बना लिया, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है। इस तरीके से हमने बना लिया इसको। अब हमने लगाना है, देख लो किस तरीके से लगाना है। पहले हमने कोम करनी है इस तरीके से। ये देखो हमने अप्लाई करनी है इस तरीके से। फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, लास्ट तक देखना स्टेप बाय। लास्ट में आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, प्लीज़ लास्ट तक देखना। थोड़ा पेस्ट लगा के फिर एक बार कंघी कर लो। कंघी से हमारे बाल ना कोम से सीधे हो जाते हैं इस तरीके से। तो बाल जहाँ पे मुझे सेट करनी लगा के वहाँ पे मुझे सेट कर दो और तकरीबन एक घंटा रखना, पूरी अच्छी तरीके से सुखाना इसको। अच्छी तरीके से सुखा के फिर इसको वॉश करना है। ये देखो कोम करके फिर हम मिट्टी लगाएंगे। उधर तो हमने लगा दी थी, अब इधर इधर इस तरीके से लगानी है, देख लो अच्छी तरीके से। एक बार कोम ज़रूर करनी होती है क्योंकि बाल सीधे हो जाते हैं ना इसमें। जो बाल मुड़े होते हैं वो सीधे हो जाते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से बाल सीधे हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से है हम शेप बना देंगे इसकी। ये देखो गाइस, हमने मिट्टी प्रॉपर तरीके से लगा दी है। प्रॉपर तरीके से मिट्टी लगानी है, नीचे भी लगानी है, ऊपर भी लगानी है। अच्छे से मिट्टी लगा के फिर उसके बाद हमने, तो आप देखो इतनी सुखानी है, प्रॉपर सुखानी है। अगर जो वैसे नहीं सूख रही तो इस पर ड्रायर मार लेना, ड्रायर मार के सुखा लेना चंगी तरह, अच्छी तरीके से सुखा के इसको। जैसे ये हार्ड हो गई है फिर बढ़िया रिजल्ट तभी आएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। लो फ्रेंड्स, हमने मुच्छों को धो लिया, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। ये देखिए अब हमारा ज़रूरी काम है ड्रायर करना। तो ड्रायर कैसे करनी है गाइस, तो ध्यान से देखो, ये मेन स्टेप है। अगर जो हम ड्रायर अच्छे से नहीं मारेंगे तो रिज़ल्ट बिल्कुल पेची आएगा, बिल्कुल ख़राब आएगा। तो इस तरीके से ड्रायर मारनी है हमने प्रॉपर सही तरीके से। तो कैसे मारनी है ये देखो, इस तरीके से ड्रायर मारनी, जहाँ पे हमने मूछों को रखना है वहाँ पे अच्छी तरीके से ड्रायर मार के रुकाना है हमें। इस तरीके से देखो ध्यान से कम 10-15 मिनट लगानी है ड्रायर। अब हम मूछों पे ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद देखो कितना अच्छा रिज़ल्ट आया हमारा, चमक कितनी आ रही है। ये देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आया, हम मूछे नीचे कर रहे हैं ना तो ऊपर जा रही हैं, खुद ब खुद जा रही हैं, इतना अच्छा रिज़ल्ट आया। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।